भोजपुरी में हमेशा दो लोगों में कांटे की टक्कर रहती है, पहले पवन सिंह और दूसरे खेसारी लाल यादव। इनकी फैन फॉलोइंग ही आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। वैसे खेसारी और पवन को एक दूसरे से आगे बढ़ने में शायद ही इंटरेस्ट होगा। खैर, हम बात करने जा रहे हैं उनके सावन के एल्बमों की, जो कि बैक टू बैक उनके गाने रिलीज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह के एल्बम का एक गाना रिलीज हुआ है जिसने 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हैं, और ठीक वही दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की एक एल्बम रिलीज़ हुई है जिसने 6 दिनों में 4.3 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हैं। ऐसे खेसारी ने पवन सिंह से पहले अपना गाना निकाल कर थोड़ा फ़ायदा का सौदा किया है, क्योंकि उनका व्यूज़ पवन सिंह के व्यूज़ से तकरीबन 2 मिलियन ज़्यादा है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह जहाँ 2 दिन में 2 मिलियन पे पहुँचे हैं, वहीं खेसारी लाल 6 दिन में 4.3 मिलियन पे पहुँचे हैं। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि कौन किससे बाजी मार रहा है, क्योंकि इन दोनों की चहेती अक्षरा सिंह भी एल्बम ला रही हैं। एल्बम का नाम है अभिनंदन जगतपति। इसे भी लोग काफ़ी पसंद करेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह की भी फ़ैन फॉलोइंग इनसे कम नहीं है। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि कौन किससे बाजी मार रहा है, क्योंकि सावन आने में अभी टाइम है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा पवन और खेसारी को सुनने का। वैसे हम अपना एक और वीडियो जल्द ही बनाएंगे ये जानने के लिए कि 15 दिन के आंकड़ों को देखा जाए तो कौन किससे बाजी मार रहा है। वैसे फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ खेसारी से आगे पवन सिंह है, क्योंकि खेसारी के व्यूज़ भले ही ज़्यादा हैं लेकिन उनके दिन भी ज़्यादा हैं, यानी कि 6 दिन में 4.3 मिलियन, और पवन सिंह की हरी चूड़ियों का 2 दिन में 2 मिलियन, जो कि आगे बढ़ता ही रहेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।